हाय एवरीवन, तो फाइनली आज हमें अटल टनल का रास्ता खुला हुआ मिल गया है और हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हम पिछले 2-3 दिन से ट्राई कर रहे थे कि हमें रास्ता खुला हुआ मिले, बट मौसम ख़राब हो जाता था. एक तो स्नोफॉल हुई नहीं, ऊपर से अटल टनल जाने के लिए भी नहीं मिलता था. आज लेकिन फाइनली हमें रास्ता खुला हुआ मिल गया है और हम अटल टनल से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है. और अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का रास्ता. हम हैं बहुत एक्साइटेड. वॉर्निंग टेकी नंबर 2. ये और हम आपको बताएंगे कि अटल टनल कैसे बनाई. वॉर्निंग टेकी नंबर 1 ने पूरी रिसर्च कर ली है उस पर, तो जब हम टनल के अंदर होंगे तब आपको उसके बारे में पूरा बताएंगे कि कितने साल लगे उसको बनाने में और वो किस डिस्ट्रिक्ट से किस डिस्ट्रिक्ट तक जाती है और टोटल कितनी लेंथ है उसकी. और प्लस हम आपको ये भी पूरी डिटेल बताएंगे कि अगर आप इस वेदर में कभी आते हो तो आपको अटल टनल ओपन मिलेगी नहीं मिलेगी, या आपको कैसे प्लान करना चाहिए वो आने के लिए. एग्जैक्टली. बट पहले आप देख लो यहाँ तक का रास्ता, क्योंकि हम भी खुद पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं सोलांग वैली से आगे. और आपको वॉन्डरिंग टेकी नंबर 2 की एक्साइटमेंट का पता तो लग ही गया होगा क्योंकि आज उन्होंने फाइनली एक्नॉलेज कर लिया कि मैं हूँ वॉन्डरिंग टेकी नंबर 1. हाय एवरीवन, इस टाइम हम अटल टनल के अंदर हैं और अभी हम आपको टनल का नहीं दिखा सकते हैं बिकॉज हमें मना किया गया है टनल की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करने के लिए. हाउएवर, हमें पुलिस ने कहा है कि हम टनल क्रॉस करके वहाँ पे रुक के हम फोटो भी क्लिक कर सकते हैं और वीडियो भी क्लिक कर सकते हैं. बट ये बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे. इतना लंबा उन्होंने टनल बनाए, लग ही नहीं रहा है कि इंडिया ने इतने कम टाइम में इतना प्रोग्रेस कर लिया है. और यहाँ पे टाइम टू टाइम पे एग्ज़िट बना रखे हैं उन्होंने, कॉल के लिए, इमरजेंसी कॉल के लिए सिस्टम बनाया हुआ है और सब जगह कैमरास भी लगे हुए हैं. तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील. टनल पे हम गए हैं इससे पहले, उसमें थोड़ा कंजेस्टेड सा फील होता है, बट इसमें थोड़ा बहुत ओपन सा फील हो रहा है. इसमें मतलब ऐसे लग नहीं रहा तुमको. और बहुत ही लंबी टनल है, यहाँ से पूरा एकदम ऐसे लग रहा है पूरा एंड तक दिख रहा है. ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर है ना. हाँ, 9 किलोमीटर की टनल है और 10 साल लगे इसको बनने में. बट पिछले कुछ सालों में इसमें काम तेज़ी से हुआ और ये कम्प्लीट हो गई, तो अच्छा है. ऑल वेदर रोड है और प्रॉपरली मेंटेन्ड है. ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ सीपेज हो रही हो या पर कहीं से कुछ ख़राब हो रहा हो. यहाँ मतलब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है इसके अंदर, कि इन्होंने काफ़ी टाइम लेके बहुत स्मूथ आउट करके इसको बहुत अच्छे से डेवलप करके बनाया है. और यहाँ पे स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर है, कहीं कहीं पे 60 है. बट बाहर जो पुलिस वाले उन्होंने ये बोला कि 40 से ऊपर नहीं चलाना है, ओवरटेक नहीं करना किसी को. और थोड़ी थोड़ी दूर पे सब जगह यहाँ CCTV भी दिख रहे हैं जिसमें पूरा मॉनिटर होती है टनल, तो काफ़ी अच्छा है. और बाकी जो इस टनल की डिटेल है कि आप यहाँ पे जब अगर आने का प्लान करो तो कैसे करना है, वो हम आपको अभी बाहर जाके फिर बता देंगे. और जैसे ही ये टनल ख़त्म होती है हम आपको दिखाते हैं कि उस साइड का नज़ारा कैसा है. हमने जहाँ से एंटर किया वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? वो आपका मनाली था.
कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है और हमने साउथ पोर्टल से एंटर किया था। अभी जब हम निकलेंगे इस टनल के क्रॉस करेंगे तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे? तब हम लाहौल स्पीति में जाएंगे। तो हम एक टनल से एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएंगे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि व्यू भी ड्रास्टिकली पूरा चेंज हो जाएगा। पीछे स्नो थी लेकिन ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत थी जब भी स्नोफॉल हुई होगी। इनफैक्ट जो रोड की बिल्कुल साइड पे थी वो तो बिल्कुल काली होकर और गंदी भी हो गई थी। तो लेट्स सी कि इस टाइम पे लाहौल में कितनी स्नो पड़ी हुई है या है भी या नहीं। चलो सी यू ऑन दी अदर एंड। देख रहे हो ये नज़ारे? अब हम अटल टनल से निकल चुके हैं, निकलते ही ये नीचे रिवर बह रही है। हाँ ये नीचे रिवर है। देखो लेफ्ट में है लेह और कारगिल और श्रीनगर और हमारे राइट में है रोहतांग ला, जिसे रोहतांग पास बोलते हैं, काजा और सुमडो। कर रही है तो हम आपको एक दो चीज़ बताना चाहते हैं। अगर आप अटल टनल प्लान करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो 11 से 12 बजे के बीच मेंटेनेंस के लिए क्लोज रहती है, तो उस टाइम को अवॉइड करना कि आप इस 11 से 12 के बीच ना पहुँचें। सेकेंडली आप हमेशा वेदर देख के आओ, अगर सुबह आपको लगता है कि वेदर थोड़ा सनी नहीं है और थोड़ा क्लाउडी हो रहा है या स्नो के चांसेस हैं तब आप अटल टनल मत आना, क्योंकि अगर स्नो फॉल होने लगती है या क्लाउडी होने लगता है या स्नो की प्रेडिक्शन हो जाती है तब अटल टनल को क्लोज कर दिया जाता है। सो इट्स बेस्ट जब वेदर थोड़ा क्लियर हो तभी आप अटल टनल आएँ, एल्स देयर इज़ अ गुड चांस कि आपको वो क्लोज हो। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं और कुछ प्लान नहीं है कि कहाँ जाएंगे, बट देखते हैं कि इसे उतार के बात कर लेता हूँ आपसे, पर देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं और जहाँ तक भी रास्ता ओपन होगा हम वहाँ तक जाने का ट्राई करेंगे। और फिर अगर और कुछ इंटरेस्टिंग या ऐसे नज़ारे तो अब हर मोड़ पे मिलने वाले हैं, तो और कुछ बहुत एक्सेप्शनल दिखेगा तो वो आपके साथ शेयर करेंगे।
है सिसु में, और ये यहाँ का लास्ट पॉइंट है। यहाँ से आगे जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है रोहतांग और उससे आने के लिए, तो हम सिर्फ यहाँ तक ही आ सकते हैं। हमने पुलिस बिना परमिट के और हमने पुलिस से पूछा कि क्या हम यहाँ थोड़े एरियल शॉट्स ले लें ड्रोन उड़ा के, तो उन्होंने मना कर दिया कि इस पूरे ही एरिया में कहीं पे भी ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है, जो कि अभी जैसा आपको पता है सिचुएशन चल रही है, तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हो सकता है और भी बहुत सारे रीजंस होंगे। सो अभी हम आपको एरियल शॉट्स तो नहीं दिखा पाएंगे, और ये ही प्रॉब्लम हम मनाली में काफ़ी जगह फेस कर रहे हैं, इसलिए इस ट्रिप पे हमने आपको अभी तक ज़्यादा एरियल शॉट्स दिखाए नहीं कुछ भी हम आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने कंट्री की सिक्योरिटी। तो हम ये भी कर सकते हैं कि चुपचाप कहीं से ड्रोन उड़ा लें, और अगर इनके सिस्टम ने हमको नहीं पकड़ाया कुछ करके, हम थोड़ा दिखा सकते हैं, बट वो हम नहीं करना चाह रहे हैं ये छुप के कुछ करना, क्योंकि कंट्री की सिक्योरिटी के साथ कुछ भी खेलना अच्छी बात नहीं है। तो हम अच्छे सिटीजन्स की तरह पूरे लॉ को फॉलो कर रहे हैं। हमने परमिशन मांगी बट हमको परमिशन नहीं मिली, तो अब हम यहाँ से वापस निकल रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊँ वहाँ पर, अगर दूर आप देखें तो वो जो गाड़ी आपको खड़ी हुई दिख रही है, वहाँ पर बहुत सारे लोग भी दिख रहे होंगे जो रिवर के पास जाके अपना फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आप भी आ सकते हैं सिसु में। पहले ये जगह होती थी 85 किलोमीटर्स मनाली से, और यहाँ पहुँचने में अराउंड 2.5 से 3 घंटा लगता था, बट अभी क्योंकि अटल टनल है तो हम 15-20 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच गए हैं। तो अब काफ़ी मोटरेबल और एक्सेसिबल ये जगह हो गई है, तो आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं। बस दिसंबर जनवरी जब हैवी स्नोफॉल होता है तब ये शायद बंद रहेगी, उसके अलावा ये आपको हमेशा यहाँ तक आने का मौका मिल ही जाएगा। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। तो अब चलते हैं वापस मनाली की तरफ, और अब जहाँ स्टे कर रहे हैं हम सीधा वहाँ जाएंगे। Thank you.